तारीख को प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस कर रहे थे कि एक दिन का जन कर्फ्यू, एक दिन जन कर्फ्यू में गाड़ी हमारे पूरे खड़े रहते। फिर जैसा जन कर्फ्यू 22 मार्च को जो गाड़ी शाम में छोड़ दी है, 23 तारीख के दिन वो फिर प्रधानमंत्री जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल दिया है कि 24 मार्च से कंटिन्यू लॉकडाउन, जो जहाँ है वहाँ पर रुको। अब हमारा जो बिजनेस है वो मूवेबल बिजनेस है, हमारे कुछ ट्रक ऑलरेडी 20 को निकल गए थे महाराष्ट्र, गुजरात, थ्रू आउट इंडिया में हर जगह हमारा ट्रक चलते हैं। वहाँ पर जब जाने के बाद 24 तारीख से पूरा कंटिन्यू लॉकडाउन बोलने के बाद होटल बंद रहे, गोडाउन बंद रहे, लेबर नहीं है, जहाँ कहीं भी गाड़ी हमारे ठहरे थे वहाँ पर ही ठहरना पड़ गया। उससे हमारे को एक नुकसान, क्या सबसे बड़ा नुकसान वहाँ पर हुआ हमारे को, पूरे गाड़ी के ड्राइवर को खाने का प्रॉब्लम आने के बाद जहाँ गाड़ी है वहाँ ड्राइवर 10 दिन 8 दिन इंतजार करके पूरे ड्राइवर्स गाड़ी छोड़ के आ गए। पुलिस का इतना हैरेसमेंट था कि ड्राइवर खाना खाने के लिए किराने दुकान को भी जा रहे तो किराने दुकान को भी जा नहीं सक रहे थे हमारे ड्राइवर, और हमारे ड्राइवर इतने सफर हो गए वो लॉकडाउन में, 2-2 दिन 3-3 दिन खाना नहीं मिला। कुछ गाँव वाले मदद करके खाना खिलाए, बाद में एसोसिएशन वाले ऐसा वैसा करके ड्राइवर सर्वे करके बाद में ड्राइवर जहाँ पर है गाड़ी लॉक करे निकल गए। 25 दिन तक हमारा गाड़ी जहाँ पर था वहीं पर खड़ा था, उसमें कई चीज का चोरी हो गया, कई मटेरियल अंदर का डैमेज हो गया। डैमेज होने के बावजूद जब 22 अप्रैल को इंटरस्टेट आउट अदर स्टेट दोनों भी जब मूवमेंट चालू करो बोल के जब और एक सर्कुलर आ गया गवर्नमेंट से, जब मूवमेंट करने स्टार्ट किए भी बोले तो फिर भी हैरेसमेंट हो गया महाराष्ट्र में और तेलंगाना में पुलिस का। तो ट्रक हमारा ओवरऑल 1 महीने के ऊपर लोड गाड़ी कहीं पर एम्प्टी गाड़ी जहाँ फंसे वहीं पर फंसे से थे, उसका कोई ना क्लीनर उसके पास था, ना अवेलेबल, ना ड्राइवर थे। तो इस कुछ गाड़ियों में डीजल चोरी हो गया, कुछ गाड़ी में बैटरी चोरी हो गया, कुछ गाड़ी में मटेरियल भी चोरी हो गया, कुछ गाड़ियों में मटेरियल डैमेज भी हो गया। उस दौरान बारिश भी 1-8 दिन बारिश बहुत आ गया उस टाइम पे, उसमें कहीं अंदर के गुड्स भी डैमेज हो गए, वो गुड्स के डैमेज भी हम भर चुके हैं जी। और कंटिन्यू लॉकडाउन रहने के बाद फिर जब ओपन हो गया ट्रक का मूवमेंट अप्रैल लास्ट वीक में थोड़ा मूवमेंट स्टार्ट करने के बाद, उसका ड्राइवर्स वापिस आने के लिए कोई तैयार नहीं था जी। कोरोना की तरफ से इतना डर गए थे कि मीडिया में टीवी में इतना डरा दिया कि बाहर आए तो क्या खत्म हो जाते जी। ट्रक हमारे वापिस लाने के लिए 1 महीना चले गया उसमें, ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारा। और दोबारा जब मूवमेंट थोड़ा फ्री होने का चांस दिखा तो पूरे कंप्लीट ट्रक नहीं चालू हो गए हमारे, थोड़े ट्रक चालू हो गए, थोड़े ट्रक रुक गए। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को अनाउंस किया गया कि EMI मॉरिटोरियम दिया जाएगा आपको मार्च अप्रैल में। तो हम गवर्नमेंट का शुक्र गुजार है कि पूरे ट्रक के कम से कम हमारे को ये रियायत तो मिली कि 3 महीने तक हमारे को मॉरिटोरियम दिया गया। लेकिन थोड़ा दिन के बाद मालूम पड़ गया कि मॉरिटोरियम के पीछे इंटरेस्ट नहीं छोड़ा जाएगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ेंगे उसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा आगे किस्तों में। फिर ऐसा ही चलने के बाद फिर जून जुलाई अगस्त 3 महीने का फिर मॉरिटोरियम दिया। मॉरिटोरियम जब 3 महीने का जब दे रहे थे जून में, प्रधानमंत्री साहब हमारे 20 लाख करोड़ रिलीफ फंड के लिए देते हूँ बोले, उसमें से हमारे को रिलीफ फंड में 1 रुपया भी हमारे को नहीं मिला, जबकि 200 करोड़ हमारे को अगर दिए तो हमारा इंटरेस्ट माफ हो सकता था। प्रधानमंत्री योजना जो स्कीम दिए थे 20 लाख करोड़ में, हमारे ट्रक एसोसिएशन को कुछ नहीं है। हमारे यहाँ की गवर्नमेंट अभी 2 महीने का क्वार्टरली टैक्स छोड़ दिए। हम गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि आगे भी हमारे पास ट्रक ओनर ट्रकर को पैसा नहीं है टैक्स भरने के लिए, गाड़ी ऑलरेडी फुलफिल चल रहे हैं, मार्केट में लोड अवेलेबल नहीं है स्मूथली, जहाँ ठहरना है वहीं, जहाँ खाली हो रहा वहीं गाड़ी 10-10 दिन ठहर रहा, पैसा खत्म हो जा रहा ड्राइवर के पास, पैसा ऐसे भेज के फिर गाड़ी को दूसरा लोड मंगा अरेंज करना पड़ रहा है या नहीं तो एम्प्टी मंगाना पड़ रहा है। ये इंटरनल हमारे बहुत से भी इशू है, हम बहुत सफर कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन लाइन में। गुलबर्गा लारी एसोसिएशन के तरफ से आज RTO गुलबर्गा को मेमोरेंडम देने आए थे के वाड़ी पूरे तालुके के प्रेसिडेंट, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोग इधर प्रेजेंट थे आज गुलबर्गा RTO को मेमोरेंडम देने के लिए कि आज का जो बिजनेस का इशू है ट्रक का, इतनी बुरी हालत है
के ट्रक चल रहे नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ पर से नोटिस दिया जा रहा था कि टैक्स भरो बोल के। तो उस इशू पे पूरा एसोसिएशन मिलके यहाँ पर आरटीओ सर को मिलने आए थे कि हमारे बिजनेस इतना हालत ख़राब है कि हम आगे टैक्स भर नहीं सकते, तो हमारे को सितंबर तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट और इसको फिटनेस को जो रियायत दी है वो रियायत और क्वार्टरली टैक्स को भी हम अपील कर रहे हैं कि क्वार्टरली टैक्स भी सितंबर तक हमारा माफ़ किया जाए। ऐसी हालत है कि कुछ गाड़ियों तो 5-5 दिन 10-10 दिन 1-1 महीने तक लोड ही नहीं हो रहे, और जो गाड़ी लोड हो रहे हैं उसको अनलोडिंग करने के लिए इतना मसला आ रहा। कोविड के तरफ से लेबर का प्रॉब्लम है, अदर जहाँ पर भी हम स्टेट जाते हैं मैक्सिमम हमारा बिजनेस रिलेटेड है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में तो टोटल लॉकडाउन आज भी है कुछ एरिया में, जहाँ उसके चलते हुए बिजनेस हमारा इतना स्लो है कि हम टैक्स भी भर नहीं सकते। हमारी ऐसी हालत हो गई कि गाड़ी ठहरने से इतनी बुरी हालत हो गई है कि गाड़ियाँ लिखा के गवर्नमेंट को वापस सरेंडर करना बोल के आए थे हम। फिर आरटीओ साहब भी हमारे को आश्वासन दिए कि हम तुम्हारा जो प्रॉब्लम है इशू है वो आगे हायर अथॉरिटी को बताएंगे, आप जब तक सब्र रखो, गाड़ी के बारे में ऐसा डिसीजन मत लो गाड़ी छोड़ने का, सरेंडर करने का गवर्नमेंट को बोल के आश्वासन दिए। हम आरटीओ साहब को भी उनका रिक्वेस्ट करते हैं और उनको लेटर देने आए थे, देके उसका एक अटेस्टेड कॉपी हम हमारे पास रख लिए। गुलबर्गा लारी एसोसिएशन, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट लारी एसोसिएशन और पूरे तालुके के लारी ओनर इधर प्रेजेंट है। हम यूनुस खान, वाइस प्रेसिडेंट गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट लारी एसोसिएशन। ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಲಾರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಿ ಆರ್ಟಿಓ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಕ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ, ಆಂಧ್ರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ, ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಸಲಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಓಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನೂ ಕಟ್ಟೋದಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವೇನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ ಆರ್ ಟಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ.